हेलो फ्रेंड्स, आज हम गर्मियों के लिए डबल चॉकलेट चिप आइसक्रीम बनाएंगे और हम इसे फ्रेश क्रीम का यूज़ करके बनाएंगे। हम इसमें कोई व्हिपिंग क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें हैंड विक्सकर या फिर हैंड मिक्सी का यूज़ करेंगे। हम इसे मिक्सर ग्राइंडिंग जार में बनाएंगे, ये फिर भी एकदम क्रीमी और डिलीशियस बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं डबल चॉकलेट चिप आइसक्रीम बनाना। ये आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। ये 250 ml का पैकेट है। आप कोई भी ब्रांड का फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, डेयरी में से भी ला सकते हैं। इस क्रीम को हम फ्रिज में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरह से चिल होने के लिए रखेंगे। और यहाँ पे जो जूस और मिल्क शेक बनाने के लिए बड़ा जार का यूज़ करते हैं, हम वो जार लेंगे और इसमें हम आइसक्रीम बनाने का प्रोसेस करेंगे। एकदम ही चिल्ड फ्रेश क्रीम को हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे। क्रीम का ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे मिक्सी में कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए चलाएंगे और ये गर्म हो सकती है और इसका टेक्सचर ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखना है क्रीम एकदम ही ठंडी हो। ढक्कन लगाएंगे और हम इसे मिक्सी में 7 से 8 मिनट के लिए चलाएंगे। हर 1-2 मिनट के बाद हम इसमें 10 से 20 सेकेंड का पॉज देंगे और फिर इस मिक्सी को घुमाएंगे और एकदम हाई स्पीड पे ये प्रोसेस करना है। लगभग 8 मिनट मैंने इस क्रीम को चर्न किया है और उसके बाद ये इस तरह से दिखेगा। जब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं, हम इस क्रीम को ढक के फ्रीजर में ठंडा होने देंगे। अब हम एक माइक्रोवेव सेफ बोल में 1/2 कप चॉप करी हुई डार्क चॉकलेट लेंगे। ये ग्राम्स में 70 ग्राम चॉकलेट है और हम इसे मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के इंटरवल पे और मिक्स करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। आप चाहे तो ये प्रोसेस डबल बॉयलर मेथड से भी कर सकते हैं। चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे होगी और बारीक कटी हुई होगी तो वो जल्दी से मेल्ट होगी। मेरी चॉकलेट 40 सेकेंड में मेल्ट हो गई थी पूरी तरह से। और इसमें रिच चॉकलेट फ्लेवर के लिए हम 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। और 200 ग्राम हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। ये 1/2 टिन कंडेंस्ड मिल्क का है। और इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्रीम को फ्रीजर में से बाहर निकाल लेंगे। ये एकदम चिल होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए मिक्सी में और घुमाएंगे। और जो हमने चॉकलेट का मिश्रण तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। ढक्कन लगाएंगे और इसे हम मिक्सी में फिर से 4 से 5 मिनट के लिए चलाएंगे हाई स्पीड पे। और हर 1 मिनट के बाद हम इसमें 20 से 30 सेकेंड का ब्रेक देंगे। लगभग 5 मिनट मिक्सी में चलाने के बाद मिक्सचर तैयार है और एकदम स्मूथ और क्रीमी है। अब हम इसमें फाइनली 1/4 कप डार्क चॉकलेट चिप्स डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने प्लास्टिक कंटेनर लिया है जिसमें मैं आइसक्रीम को सेट करूंगी। पूरा मिश्रण हम इसमें डाल देंगे और अगर आप चाहें तो इसे 1 बड़ा चम्मच चॉकलेट चिप्स से गार्निश भी कर सकते हैं। लिड को एकदम टाइटली सिक्योर करेंगे और हम इस आइसक्रीम को जमने के लिए फ्रीजर में कम से कम 12 से 15 घंटे के लिए रखेंगे। लगभग 15 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम को बाहर निकाल लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से जम गई है। और इसे स्कूप करें तो ये एकदम आसानी से स्कूप होती है। बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आया है और इसमें हमने कोई स्पेशल इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया है, ना ही हमने इसमें कोई व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है। एकदम ही रिच चॉकलेट चिप आइसक्रीम तैयार है और इस गर्मियों में आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।